मीन राशि वालों का आज का राशि फल यानी कि 24 अगस्त 2020 का राशि फल। तो नमस्कार मित्रों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 24 अगस्त 2020 के पंचांग के बारे में। आज तिथि है षष्ठी, नक्षत्र है स्वाति, पक्ष है शुक्ल पक्ष, दिन है सोमवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है, 5:55 में सूर्य अस्त हो रहा है, 6:50 में ऋतु है शरद। आज का दिन काल है 12:55 42 सेकेंड का, महीना है भाद्रपद। आज के दिन शुभ समय शुरू होता है 11:57 AM से 12:48 PM तक। अशुभ काल शुरू होता है 12:48 PM से 1:40 PM तक। राहु काल शुरू होता है 7:32 AM से 9:09 AM तक। दिशाशूल है पूरब दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक और उपाय है, तो आप उसे भी देखें, सुने और फॉलो करें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के नीचे हर हर महादेव कमेंट कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके धन संपत्ति के बारे में। दोस्तों, पैसों के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज के दिन किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप धन संपत्ति का लेन देन करते हैं, तो लेन देन करते समय आपको सावधानी बरतना होगा, अन्यथा आने वाले समय के दौरान पैसों के मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय अच्छा रहेगा। आज के दिन अपने मन में आप सकारात्मक भावनाओं को जगह दें। आपके मन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो, उन सारी बातों को आप अपने मन से बाहर करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आज के दिन आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन अगर आपके घर परिवार की बात करें, तो घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज्यादा नीचे है। आज के दिन संभव है कि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के साथ आपका संबंध खराब होगा, कमजोर होगा, और इस वजह से आने वाले समय के दौरान आपके घर परिवार का माहौल, आपके घर का वातावरण खराब हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रेम संबंध। दोस्तों, आज के दिन अगर आपके प्रेम संबंध में कोई तीसरा इंसान इंटरफेयर करता है, दखल अंदाजी करता है, तो किसी और इंसान के वजह से आपके प्रेम संबंध के मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज के दिन अपने प्रेम संबंध में आप किसी भी बाहरी इंसान को इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करने दें। यह आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक और जरूरी है, इस बात को आप याद रखें। इसके बाद है आपका कामकाज। तो कामकाज के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज्यादा बेहतर और शानदार है। आज के दिन आपके कामकाज में, आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा।
तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। तो उपाय बहुत ही ज़्यादा सामान्य है। आज के दिन आप अपने क्षमता के अनुसार गौ माता के लिए कुछ दान पुण्य करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, इस टोटके को अगर आप आजमाते हैं, तो आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है 7, यानी कि 7। आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली रंग है भूरा और सलेटी। तो मित्रों, यही था आपके आज के दिन का राशिफल। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।